आज बरेली पहुंचे आम आदमी पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह, जहां उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस बार निकाय चुनाव में पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाना है। प्रदेश की जनता को इस बदहाली से बाहर निकलना है, इसलिए सबको आज ही से पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य में जुट जाना है। प्रदेश की जनता को आप सब बताएं दिल्ली और पंजाब की सरकारों द्वारा किए जा रहे जनहित में कार्यों को। वहीं ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने कई पार्टियों को छोड़कर आए नेताओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने कहा, बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी में मैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का पिछला वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बरेली महानगर का प्रभारी हूँ। आज बरेली में आगमन बहुत महत्वपूर्ण बैठक को लेकर के है, जिसमें हमें बरेली महानगर के 80 वार्डों के लिए चुनावी रणनीति तय करनी है। जो पहले आवेदन कर चुके हैं पार्षद के लिए और मेयर के लिए, उन लोगों से मुलाकात करनी है और बरेली में हम 80 के 80 वार्डों पे आम आदमी पार्टी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट उतारने के लिए। उसी तरह से ये भी देखा जाता है आम आदमी पार्टी के, चाहे संजय सिंह हो या और कोई अन्य लीडर हो, जब मुस्लिम पर कोई मुसीबत आती है तो कहीं नजर नहीं आती। देखिए, हम आम आदमी पार्टी 100% सेकुलर पार्टी है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए हर समाज का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारे लिए बराबर है। और किसी के साथ जाति होगी तो वो चाहे क्रिश्चियन हो, उसके भी साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। मुस्लिम के साथ भी उतनी ताकत से खड़ी है जितनी हिंदू के साथ खड़ी है। हमारे यहाँ धर्म और जाति के आधार पर कोई विभेदन नहीं है। ये केवल परिस्थिति और कोई विशेष प्रकरण रहा होगा जिसमें वो नहीं पहुंच पाए होंगे, मैंने मुझे इसकी जानकारी नहीं है बरेली की। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ अगर मुस्लिम समाज ना खड़ा होता तो दिल्ली में आज केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होते। आज के हालात ये देखे जाते हैं कि अभी दो हत्याएं हुई है, एक राजस्थान में हुई है जुनैद नाम के लड़के की, ठीक है, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अभी तक किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं और कोई पहुंचा नहीं उसके परिजनों। और ये कानपुर में जो हत्याएं हुई थी माँ बेटी की, तो संजय जी वहाँ पहुंचते हैं। बस फर्क ये है कि कानपुर में जो हत्याएं हुई हैं वो गैर मुस्लिम रहे हैं, ठीक, और ये मुस्लिम है, ऐसा क्या है इसको देखते हुए? आप नहीं देखिए, मैं आपको बताऊँ, संजय सिंह जी का इलाहाबाद जाने का कार्यक्रम लगा हुआ था, तो इसी पीरियड में उनका कार्यक्रम पहले से फिक्स था, तो लिहाजा उन्हें जब इलाहाबाद जाना तो बाइक कानपुर हो गई जाएंगे, तो रास्ते में मतलब जो है इसी पीरियड में घटना हो जाती है, तो वो जब कार्यकर्ता कोई बताता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, संजय सिंह जी राजस्थान भी जाएंगे और उस मुस्लिम परिवार जहाँ के 2 बच्चों को जो है गाड़ी में चला करके मार दिया जाता है हरियाणा में, 100% वहाँ जाएंगे। और मैंने आपको बताया नहीं, आम आदमी पार्टी में इस तरीके का कोई विभेदन ही नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी बन जाती कभी कभी। लीपापोती वाली बात नहीं, देखिए आप इसको एक विशेष रूप से ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में लीपापोती का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई मतलब जो है उत्तर प्रदेश के किसी कोने में होगा तब भी जाएंगे, राजस्थान के किसी कोने में होगा किसी समाज के साथ तब भी जाएंगे, लेकिन ये ऐसा हो जाता है ना कि अब एक समय में आदमी 10 जगह नहीं हो सकता है, उनकी प्रोबेबिलिटी उस समय कहाँ पर है। अब जो है ना, अगर नहीं भी पहुंचे होंगे तो किसी कोई कारण रहा होगा, तो मैं उसकी बात आपकी बात रखेंगे वहाँ पे। और हमारी पार्टी में इस तरीके का हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं है। आज बरेली आवाम पर किस तरह का संदेश देना चाहते हैं बरेली वाले? मैं चाहता हूँ कि बरेली में पिछले कई वर्षों से बीजेपी का मेयर है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी
के काम को देख करके, शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल को देख करके, सुविधाओं को देख करके, जिस तरीके से हमने दिल्ली मेयर जीता है, दिल्ली में डिप्टी मेयर जीता है, दिल्ली में स्टैंडिंग काउंसिल का चुनाव जीता है, दिल्ली में विधानसभा जीती है, हम चाहते हैं बरेली दिल्ली का उदाहरण बने। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के माध्यम से हम लोग इतने ताकत से चुनाव लड़ें कि यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हंसी पे खिसक जाए और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जैसा दिल्ली में हुआ वो चुनाव यहाँ पर। मैं इस तैयारी को लेकर के यहाँ पर आज पहली बार आया हूँ और सब लोगों से, अपने साथियों से अपील करता हूँ कि इस चुनाव को इतना गंभीरता से लें कि हम केवल ये कहते रहते हैं कि हमने दिल्ली में वो किया, हमने पंजाब में वो कर दिया, 500 मोहल्ला क्लिनिक अभी कितने दिन की सरकार बनी है, 500 मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो गए हैं पंजाब में, कोई कर सकता है? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 50 मोहल्ला